भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा नगर की भावसार समाज धर्मशाला में मां नर्मदा सेवा समिति भावसार धर्मशाला अंजर द्वारा प्रतिदिन हस्त मुक्त से की जा रही है, जिससे नर्मदा परिक्रमा पर निकलने श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन, ठहरने, चाय, नाश्ते आदि की माकूल व्यवस्थाएं मिल रही है। भावसार धर्मशाला में प्रतिदिन 80 से 100 परिक्रमावासी आकर भोजन ग्रहण कर रात्रि विश्राम कर रहे हैं। समिति के प्रमुख योगेश भावसार ने बताया कि यह नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा विगत 4 साल से सन 2021 से लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि नर्मदा परिक्रमा दशहरे के बाद से शुरू हो जाती है और दीपावली के बाद परिक्रमा वासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। परिक्रमा वासियों का आगमन शाम 4 बजे शुरू हो जाता है। वह भावसार धर्मशाला में शाम के समय प्रतिदिन 70 से 80 नर्मदा परिक्रमा वासी आ रहे हैं। आते ही उन्हें चाय पिलाई जाती है, उसके बाद शाम 7 बजे से भोजन करवाया जाता है। रात्रि विश्राम हेतु सभी के लिए गादियां व रजाइयां लगाई जाती है। सेवादारों द्वारा सुबह 6 बजे से सभी को चाय पिलाई जाती है। भावसार धर्मशाला में पर्याप्त मात्रा में शौचालय व बाथरूम की व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक परिक्रमा वासियों को भोजन व्यवस्था रहती है। इस समय में भी करीब 20 से 25 श्रद्धालुओं को भोजन करवाया जाता है। सभी मोहल्लेवासी कर रहे सेवा। मां नर्मदा सेवा समिति भावसार धर्मशाला के व्यवस्थापक नीलेश भावसार ने बताया कि भावसार मोहल्ले की सभी माता बहनों व युवाओं द्वारा प्रतिदिन धर्मशाला में ही गर्मा गर्म भोजन बनाकर खिलवाया जाता है, जिसमें कभी सब्जी रोटी, दाल चावल तो कभी दाल बाटी व मक्का की रोटी भी खिलाई जाती है। सेवा के इस कार्य में नगर से भी कई भक्तों का सहयोग मिल रहा है। जब तक नर्मदा परिक्रमा चलती है तब तक सेवा का क्रम भी निरंतर जारी रहता है। सेवा देख अभिभूत होते हैं श्रद्धालु। नर्मदा परिक्रमा पर मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से श्रद्धालु जन आते हैं। अहमदाबाद, गुजरात के रिटायर्ड शिक्षक धीरेन्द्र लाल चावड़ा ने कहा कि मैंने 20 नवंबर से ओंकारेश्वर से यात्रा प्रारंभ की है और पिछले 9 दिनों में मुझे घर की याद नहीं आई थी, लेकिन आज अंजड़ में भोजन करने के बाद ऐसा लगा कि मैं अपने घर पर भोजन कर रहा हूँ। यहाँ की माता बहनों की सेवा अद्भुत है, जो बड़े ही प्यार से अपने हाथों से भोजन बनाकर खिला रही है, तथा उन्होंने परिक्रमा वासियों से नर्मदा पथ को स्वच्छ बनाए रखने तथा धूम्रपान नहीं करने का आह्वान किया है। इस तरह से मुंबई थाने के निवासी श्रीमती मनीषा काले ने बताया कि यह मेरी पहली यात्रा है। निमाड़ क्षेत्र के लोगों की सेवा भाव देखकर हम हैरान रह गए। आपकी सेवा देखकर हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की सेवा भी हो सकती है। हमारे पास बयां करने के शब्द नहीं है, ऐसी सेवा मैंने जीवन में पहली बार देखी है। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। क्या नाम है आपका? नर्मदे हर। नर्मदे। मैं गुजरात अहमदाबाद से आ रहा हूँ। मेरा नाम धीरेन्द्र लाल चावड़ा है, रिटायर्ड शिक्षक हूँ और यह मेरी दूसरी परिक्रमा चल रही है। कब निकले आप? कब? 20 तारीख को मैंने ओमकार से परिक्रमा उठाई, आज 9वां दिन चल रहा है। सब जगह की मैया की कृपा से सेवा मिली है, पर यहाँ आके मैं एक बात बता सकता हूँ, सब परिक्रमा वासियों को भी अच्छी लगेगी। 9 दिन में मेरे को कोई घर की याद आई नहीं थी, आज खाना खाने के बाद ऐसा लगा कि मानो मैं घर पे खाना खा रहा हूँ। इसी प्यार से भोजन बनाते हैं, खिलाते हैं, इतना प्यार मैंने कहीं कोई जगह देखा नहीं। सब परिक्रमा वासियों को मेरा एक संदेश है, जहाँ भी जाओ परिक्रमा पथ पर कोई भी गंदगी ना करो, जितना स्वच्छता रखोगे उतनी नर्मदा मैया प्रसन्न होगी और जो काम करते हैं उन सभी को हम अच्छा संदेश दे सकते हैं। अपना जो कोई व्यसन है रखना तो नहीं चाहिए, फिर भी होता है तो अकेले इसी जगह पे करो कि किसी को पता ना लगे। गंदगी करना ये हमारा नर्मदा परिक्रमा का कोई काम नहीं है। परिक्रमा करनी है तो दिल से करो, मैया तुम्हारा साथ है, कोई कठिनाई कोई दिक्कत तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। नर्मदे हर। आपका? मनीषा काले। कहाँ से आप? ठाणे, मुंबई, महाराष्ट्र। अभी आप नर्मदा परिक्रमा में आए हो, यात्रा कहाँ से चालू करी आपने? ओंकारेश्वर। कब निकले थे वहाँ से? 23 तारीख। ये जो सेवा मतलब यहाँ रुके हो निमाड़ में, आपको रुकने करने की व्यवस्था तो आप क्या कहना चाहते हो? अरे रुकने करने की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि
सेवा भाव वृत्ति देख के हम भी हैरान रह गए। बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हो, संदेश क्या देना चाहते हो? क्या कहने के शब्द ही नहीं है। आप लोग इतनी सेवा भाव से काम करते हैं, क्या बताएं। बहुत अच्छा लगा ऐसे देख के। पता नहीं ऐसे भी हो सकता है, ये पहली बार देखा हम। क्या नाम है आपका? योगेश भावसार। ये भावसार धर्मशाला में जो नर्मदा परिक्रमा वासियों की जो सेवा चल रही है, कब से चल रही है? ये सन 2021 से, और आज चौथा साल है इस वर्ष। और अभी इस साल कब से शुरू करी है? इस साल दशहरे के बाद से जैसे परिक्रमा वासियों का आगमन चालू होता है, हमारी नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा चालू हो जाती है। कितने परिक्रमावासी का भोजन वगैरह व्यवस्था क्या क्या रहती है यहाँ पर? अभी एक बार 85 के लगभग परिक्रमावासी आए, और उसके बाद अभी 50-60-70 के हिसाब से, मतलब ये इतना आंकड़ा प्रतिदिन का, शाम के समय रात्रि विश्राम का भी और भोजन का भी चल रहा है, और दोपहर के समय करीब 15-20 व्यक्तियों का, परिक्रमावासियों का भोजन भी बनाकर सेवा की जाती है। आपके गाँव शहर प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।